घटना मध्य प्रदेश में बैतूल के सुहागपुर में स्थित श्री जी शुगर मिल की है, जो है मशीन पर काम कर रहा युवक अचानक मशीन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद मिल में काम कर रहे मजदूरों ने मशीन को बंद करने के बाद युवक को बाहर निकाला और प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सुपरवाइजर नरेश यदुवंशी ने बताया कि जिस युवक की मौत हुई है वो नशे में आधी था, उसको मशीन पर काम करने से रोका भी गया, लेकिन युवक नशे के हालात में था, किसी की बात नहीं सुन रहा था। ये साला है मेरा, गुलचेहरा में रहता है। क्या नाम है इनका और क्या काम करते हैं? चंदर का नाम है। काम क्या करते हैं? डेली काम आरबीसी में कर रहा था। क्या घटना हो गई, कैसे कैसे मौत हो गई इनकी? ये सर ड्रिंक करा हुआ था, इससे मने भी किया सुपरवाइजर लोगों ने, ठेकेदार ने, फिर भी माना नहीं, अपनी पर आ गया ना, इसका झोंकने लगा वो, इसका पैर उसमें फिसल गया तभी गिर गया। ये जब मुझे पता चला, मैं जब पहुँचा नाइट में, तो वहाँ पता चला कि इसकी ड्यूटी दिन में दूसरे प्लांट में थी, ये रात को, कल होली थी तो दारू पी के चले गए थे वहाँ। तो इनका जो उनका एक हेड है, उनके खुद में एक हेड है, उसने उसको मना भी किया, तो जबरदस्ती वहाँ वो उसका वर्क करने लगा, जो उसने दिन में करके जा चुका था, तो उससे वो उसका हादसा हो गया। ये मृतक उत्तर प्रदेश का निवासी है, चंद्र सिंह, पिता शिशुपाल, उम्र 45 साल, सोहागपुर शुगर मिल में मजदूरी करता था। परिजनों द्वारा, उसके जीजा द्वारा बताया गया कि शराब के नशे में चीपा के बेल्ट पे गिरने से उसकी मौत हुई है। आज उसके शव का पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर डायरी जांच हेतु थाना बैतूल बाजार भेज